यार यूनुस भाई, आज की वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो है आंगनवाड़ी के न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पे जो है अपनी वेबसाइट पे आ गए हैं। आने के बाद यहाँ पे जो देखने को मिल जाएगा यूपी आंगनवाड़ी न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के ट्रेंड न्यू और लेटेस्ट। इसमें कई सारे जो है अभी में लोगों का कमेंट आया था कि इसका जो है एलिजिबिलिटी का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मैं जो है इस जिले से बिलोंग करता हूँ, क्या इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है और उसके साथ साथ जो है कितने पद का कितने पोस्ट पर लोगों की वैकेंसी आई है। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के लिए, तो इसमें जो है मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूँगा और उसके साथ साथ एप्लीकेशन का फी क्या है, एज की क्राइटेरिया क्या है, इस बार जो कुल कितने पद आए हैं, इसमें जो एलिजिबिलिटी का क्या डिमांड किया गया है, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं गाइस जो है अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड करूँगा। कई सारे फीमेल लोगों ने पूछा था कि अप्लाई लिंक जो है ज़रूर दीजिएगा, तो मैं सिंपली जो है अप्लाई लिंक ज़रूर दूंगा। तो मैं अपने वेबसाइट पर भी डाल दूंगा और इसके साथ साथ मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। तो जो मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आंगनवाड़ी भर्ती 2024 के, जो है इसमें एप्लीकेशन का फी कितना होता है, चाहे आप जनरल कैंडिडेट हो, चाहे आप ओबीसी कैंडिडेट हो, चाहे ईडब्ल्यू ईएस हो, आपको जो है जीरो बैलेंस देना पड़ेगा, यानी कि आपका एक भी पैसे नहीं जो है लगेगा। अगर एस सी और एस टी से है तब भी आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, यानी कि कोई एप्लीकेशन चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुका है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो मुझे यूपी के 75 जिले में से कौन कौन जिले में एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं आंगनवाड़ी के लिए, मैं इसके बारे में भी बताऊँगा। तो इसमें एज क्राइटेरिया क्या रखी गई है, जो एक रखा गया है जो मिनिमम में 18 है, मैक्सिमम 35 है। इसमें जो पोस्ट देखने को मिलेगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए मिलेगा। इसमें जो है फीमेल, अगर पूछ रहे थे कि क्या मेल अप्लाई कर सकते हैं, नहीं नहीं गाइस, आप अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली फीमेल के लिए ये वैकेंसी रिलीज की गई है यूपी के लिए। इसमें जो एलिजिबिलिटी का डिमांड किया गया है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम, यानी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया, आप जो है 10+2 का जो डिमांड किया गया है, और कैंडिडेट मस्ट बी द रेजिडेंट ऑफ द जो है सैड विलेज वार्ड का न्यू पंचायत फ्रॉम हेवेयर सी बी अप्लाई, यानी कि आप गाँव से भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो, आप किसी भी जगह से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बात करूँगा डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन कौन कितनी कितनी वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे आगरा में जो है 482 वैकेंसी आई है, आगरा में, अलीगढ़ में 499, अम्बेडकर नगर में 350, अमेठी में 479, अमरोहा में 142 वैकेंसी आई है। इसका एप्लीकेशन जो है 5 अप्रैल 2024 स्टार्ट हो जाएगा। औरैया में जो है 300 वैकेंसी, अयोध्या में 218, आजमगढ़ में 461, बागपत में 199, ये भी 2/4/2024 स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई के लिए, इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फिर जो है बहराइच के लिए 632, बलिया के लिए 77, बलरामपुर के लिए 388, बांदा के लिए 210, बाराबंकी के लिए 420, बरेली के लिए 329, बस्ती के लिए 268, भदोही के लिए 155, बिजनौर के लिए 507 और पौलौन के लिए 535, हुसैनसर के लिए 457, फिर आप चंदौली के लिए 242, चित्रकूट के लिए 230, देवरिया के लिए 294, एटावा के लिए 169 और एटावा के लिए 11, फरुखाबाद के लिए 166, फतेहपुर के लिए 426, फिरोजाबाद के 368, गौतम बुद्ध नगर के लिए 133, गाजियाबाद के 212 398, गोंडा के लिए 279, गोरखपुर के लिए 549, हमीरपुर के लिए 165 और हापुर के लिए 139 और 3/4/2024 से इसका भी फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा हापुर के लिए भी। और दो की बात करूँ तो 590, हाथरस के लिए 3/4/24, फिर आप जो है चौलों के 317 होता है,
जौनपुर के लिए 330 होता है, झांसी के लिए 311 होता है, फिर आपको कन्नौज के लिए 164 होता है, कानपुर के लिए आपको 256 होता है, कानपुर नगर के लिए 367, कासगंज के लिए 329, फिर आपको जो कौशाम्बी के लिए 211, खेरी के लिए 447, कुशीनगर के लिए 285, ललितपुर के लिए 167, लखनऊ के लिए 566, महाराजगंज के लिए 312, महोबा के लिए आप देख सकते हैं इतना इतना है। यहाँ पे गाइस में जो डेट प्रोवाइड किया हूँ इस डेट से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में बता चुका हूँ, सीतापुर के लिए, सोनभद्र के लिए, से आप जो सुल्तानपुर के लिए, उन्नाव के लिए, वाराणसी के लिए, मैं इसका डिटेल्स लिंक इसके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं अपने टेलीग्राम पे भी इसका डिटेल्स लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप सिंपली चेक कर सकते हैं। और गाइस अप्लाई कैसे कर सकते हैं इस फॉर्म को, अप्लाई लिंक मैंने सिंपली प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से अपना नाम, फादर का नाम, जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ से फिल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लॉगिन भी करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो फॉर्म होगा इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के अपने ग्राम पंचायत या नियरेस्ट जो है सेक्रेटरी जहाँ बैठता है वहाँ पे इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं, वहाँ से स्लिप पा सकते हैं। गाइस जो है मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिंपली गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम गाइस मिलते हैं नए वीडियो में, नए कंटेंट में, नए टिप्स और न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।